माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नौ सर नहीं, गौरव, अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है। गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया था। ये रास्ता साफ करने का तरीका था,